छत्तीसगढ़ में भाजपा अब आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में जगदलपुर दौरे पर पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि महतारी वंदन योजना को लागू करने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली महतारी वंदन योजना को भाजपा जल्द से जल्द लागू करेगी। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा अब आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पीएम मोदी और पार्टी हाई कमान ने छत्तीसगढ़ के नेताओं को ये निर्देश दिया है कि मोदी की गारंटी 100 दिनों में पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ मार्च महीने में हो सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। महतारी वंदन योजना को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि ये योजना जल्द ही लागू की जाएगी, जिससे राज्य की महिलाओं को फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने की भी बात कही। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट का काम छीनने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रेडी टू ईट का काम वापस महिला समूहों को दिया जाएगा। और जो आप बात कर रहे हैं कि महतारी वंदन योजना, तो हाँ देखिए उस पर विचार चल रहा है। निश्चित बहुत जल्दी हम उसको महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे सशक्त करने के लिए। मैडम इसी योजना को इंतजार कर रहे हैं कि कब लागू होगा, आप क्योंकि मंत्री हैं उस विभाग की। देखिए चिंता किया होगा ना कि इतने महीने में हम चालू कर देंगे सामने चुनाव। चिंता किया जा रहा है, बहुत ही जल्द हम महिलाओं को देंगे लोकसभा चुनाव में शुरू कर देंगे। हाँ जी प्रयास है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में 4 से ज्यादा सीटों पर महिलाओं को उतारा जा सकता है। तो अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा महतारी वंदन योजना लागू करती है या नहीं। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।